सृष्टिवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री नर्मदेश्वर प्रचोदयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नमः श्री कृष्ण चंद्राय नमः संकृष्णाय च नमः प्रद्युम्न देवाय अनुरुद्धाय नमो नमः। परः पीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासा कनक कपिशं भेजयन्तीं च मालां। रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। मेरे तन में है ओम ओम मन में है ओम ओम यदि हम मर जाएं तो मेरे मरघट पे लिख देना ओम ओम। चलो सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज कौरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। राधे तू बड़ी भागिनी कौन तपस्या कीन और तीन लोक तारन तरन मां सब तेरे ही आधीन। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ऐसा क्या लुत्फ निराला है सरकार तुम्हारी गोदी में।
सरकार आपकी धोती, जो भाग भाग के आता है संसार तुम्हारी धोती
जब मंथन हुआ भैया तो एक स्त्री और एक पुरुष इनको पैदा किया। इनका नाम क्या है? पुरुष का नाम है स्वयंभव मनु और स्त्री का नाम है सतरूपा। और इनके भावनाएं विचार हैं पति पत्नी के। भगवान ने कहा, ब्रह्मा ये जोड़ा हम आपको दे रहे हैं और इसी के द्वारा तुम सृष्टि का सृजन आगे करो। 45वें अध्याय में हरिवंश पुराण में ये लिखा है कि जब मैथुनी सृष्टि का सृजन हुआ तो कानपुर के पश्चिम में बिठूर पड़ता है, यहाँ से शुरुआत हुई। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भाइयों बहनों, यहां से मैथुनी सृष्टि का सृजन हुआ और सबसे पहले स्वयंभव मनु सतरूपा के द्वारा दो पुत्र और तीन कन्याएं पैदा हुई। लड़कियों के नाम हैं आकुति, देहूति, प्रसूति और बेटों के नाम हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये लड़कियां ऋषियों को ब्याही गईं। अयोध्या की पहली राजधानी हिंदुस्तान की हुई और अयोध्या के राजा हैं प्रियव्रत। इनका नाम प्रियव्रत इसलिए है कि इन्होंने बड़ी प्यारी प्रतिज्ञा की है कि मैं सारी प्रजा को बड़ा ही आनंद दूंगा और पुत्र बहुत प्यार करूंगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का पहले शौक हुआ करता था आखेट का। एक दिन राजा प्रियव्रत ने अपना घोड़ा सजाया और ये आखेट के लिए चले तो क्या देखा, सरोवर का किनारा है, बड़ी सुंदर छांव, हरी हरी घास, एक हिरनी और हिरन वहां चुग रहे हैं। राजा प्रियव्रत ने तरकस से बाढ़ निकाला
और धनुष पे चढ़ा करके मार दिया। और जैसी बाण मारा भैया, तो वो हिरनी के उधर से, हिरन के पेट से बाहर बाण निकल गया और दोनों धराशायी हो गए। ये दृश्य बाबा नारद देख रहे। भाइयों, सकता है और त्यों ही केवल नर के द्वारा संसार नहीं चल सकता है। क्या सोचा कि जैसे बिना तेल के दीपक नहीं जलता, वैसे ही बिना स्त्री के संसार नहीं चल सकता। तो ब्रह्मा जी ने एक लड़की मानसिक गति से पैदा की और लड़की का नाम सरस्वती है। अब ब्रह्मा ने यह विचार किया, क्यों ना इस लड़की को माध्यम बना करके और मैं सृष्टि का सृजन करूं। भाइयों, ये मानसिक बात उन्होंने मन से सोची कि लड़की को माध्यम बना करके मैं सृष्टि का सृजन करूं तो कैसा रहेगा। ब्रह्मा का स्तर खत्म, ब्रह्मा की पूजा खत्म। आपने देखा है सारे देवी देवताओं की पूजा होती है लेकिन ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं करता। हिंदुस्तान में, राजस्थान में एक मंदिर पुष्कर में, कहीं ब्रह्मा का मंदिर भी नहीं है। और देवताओं से भी इनका स्तर कम हो गया। इन्हीं के छोटे बेटा नारद ने ब्रह्मा को समझाया और ये कहा कि पिताजी पागल न बनो, ये लड़की मेरी बहन है और तुमने मानसिक पाप बना लिया, क्योंकि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में यदि कोई गलत भावना आपने किसी के प्रति सोची तो पाप हो गया। लेकिन कलयुग में जब तक करोगे नहीं तब तक पाप होगा नहीं। आप मन में भले ही सोचते रहे लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक पाप होगा नहीं। इधर नारद ने समझाया और नारद जी क्या बोले कि तुम पिता रूप ये कन्या है, जब यही नियम बन जाएगा अपने पिता ब्रह्मा को। तुम पिता रूप ये कन्या है, सब यही नियम बन जाएगा, आगे पाप बेटियों का।
किया ब्रह्मा जी को देवर्षि नारद ने उनके पुत्र ने, कि हे पिताजी ये लड़की मेरी बहन है और आपकी बेटी है, और आपके हृदय में ये जो विचार आए हैं ये बिल्कुल व्यर्थ हैं। ब्रह्मा तो जानते हैं कि हमारी पूजा खत्म, ये मानसिक पाप बन गया मेरे भैया। उसके बाद ब्रह्मा ने क्या किया, तपस्या की, और एक दो साल तपस्या नहीं की, ब्रह्मा ने तपस्या की 100 वर्ष। सौ साल ब्रह्मा ने तप किया, किसका किया ध्यान रखना, उन्हीं शिव शक्ति का जिन्हें नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं, देवों के देव नर्मदेश्वर महादेव। बोलिए नर्मदेश्वर महादेव की काय का बात है। इधर ब्रह्मा ने इतनी रखो तुम बाहु में कम कर दे तो, इधर ब्रह्मा ने 100 वर्षों तक तप किया, और किसकी तपस्या, नर्मदेश्वर भगवान की तपस्या की। ब्रह्मा जी की इस अविचल भक्ति पर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने दर्शन दिया। अब ब्रह्मा ने चारों तरफ अपने मुखों को किया तो ब्रह्मा के चार मुख हो गए, क्या नाम पड़ा, चतुरानन। इन्हीं ब्रह्मा के चारों मुखों से चार वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। याद रखना भैया, इन चारों वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं। इन 1,00,000 मंत्रों का विभाजन किया और वेद व्यास जी ने 80 खंड उपनिषद बनाए, श्रुतियां बनी, मीमांसाएं बनी, उसके बाद 6 शास्त्र बने और 18 पुराणों का निर्माण हुआ उन्हीं 1,00,000 मंत्रों के द्वारा। भगवान नर्मदेश्वर कहने लगे, बताओ ब्रह्मा क्या दिक्कत है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु आके सृष्टि का सृजन कैसे हो। तो भगवान ने कहा आप योग करो, योग, ये योग आज से नहीं है, ए भैया ये योग आज से नहीं है, ये योग आदि से है। और रामदेव बाबा ने तो अभी जो योग चलाया, ये पतंजलि ऋषि थे, इन्होंने बहिरंग योग नाम की पुस्तक लिखी है पतंजलि जी ने, और उसी का प्रचार प्रसार रामदेव बाबा ने किया। लेकिन भगवान क्या कह रहे ब्रह्मा से कि योग करो, और अपने सानिध्य में योग करवाया, क्या हुआ देखो, इनके दाएं बाएं अंगों का मंथन करवाया, पढ़ के आए हिरण छटपटा रहा है और तरसीली नजरों से अपनी पत्नी हिरनी को देख रहा है। भाइयों, और हिरनी भी अपने पैर पटक रही है, अपने पति को देख रही है, मानो उसकी आत्मा ये कह रही कि हम दोनों लोगों की इकट्ठी मौत। भगवान ने हम दोनों को इकट्ठी मौत दी है। पीछे से ये प्रीव्रत पहुंचे, उसी समय कहने लगे बाबा नारद मैं जानता हूं कि राजा महाराजाओं का शौक होता है शिकार करने का, लेकिन ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि एक जोड़े पर बाण चला करके और उन्हें मार दिया जाए।
तुमने अच्छा नहीं किया राजन। इन दोनों को देखो, ये तड़पड़ा रहे हैं, कुछ ही देर में इनके प्राण निकल जाएंगे। भाइयों, देखते देखते इधर देवर्षि नारद और प्रियव्रत के सामने उस हिरनी हिरन ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। कलेजा कब गया महाराज का, और घुटनों के बल बैठ गए, कहने लगे कि अब मैं पश्चाताप कैसे करूं, हे बाबा कैसे पश्चाताप करूं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने एक जोड़े पर बाण चला के और उन्हें मार दिया। बाबा नारद कहने लगे, तुम अपने सर से ताज उतारो और ये ताज हमें दो, और मैं तुम्हें उपदेश करता हूं, सीधे जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करो। आज देवर्षि नारद ने राजा प्रियव्रत को भाइयों द्वादश मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा कि जाओ और जाकर के तपस्या करो, पश्चाताप करो कि तुमने एक जोड़े पर बाण चला करके उनकी जान ली है। इधर राजा प्रियव्रत तो चले गए तपस्या के लिए, और वो मुकुट लेकर के महाराज बाबा नारद आते हैं अयोध्या में। भाइयों, इन्हीं के छोटे भाई का नाम उत्तानपाद है। उत्तानपाद का मतलब है समाज में जिसका पैर उठा हुआ हो, समाज जिसका आदर करता हो, समाज जिसका सम्मान करता हो, ऐसे व्यक्ति का नाम उत्तानपाद है। राजा प्रियव्रत जरूर थे, लेकिन समाज में उत्तानपाद की एक अलग छाप थी। सारी प्रजा के सामने उत्तानपाद को बुलाया, और बाबा नारद ने प्रजा को बुला के कहा कि भैया अब तुम्हारे नए राजा का चयन हो रहा है। उत्तानपाद जी ने पूछा कि मेरे भैया कहाँ गए, तो बाबा ने कहा कि वो तपस्या के लिए वन में चले गए, और ये भटकती हुई प्रजा को आप संभालो। सर पे ताज रखा और राजा बना दिया। भाइयों बहनों, उत्तानपाद राजा बन गए। यशवान हैं, धनवान हैं, कीर्तिवान हैं, सुंदर हैं, सब कुछ है, लेकिन उत्तानपाद के घर में कोई औलाद। इनकी धर्मपत्नी का नाम सुनीति है, कोई औलाद नहीं है। भाइयों, अगर ये मंदिर में भी जाती है तो नगर की महिलाएं उंगलियां उठा करके कहती, ये बांझ आ रही बांझ। भाइयों, एक दिन थाली सजाई, और नित्य का नियम था उसका तो भगवान के मंदिर में जाने का। थाली को सजा करके मंदिर के लिए चली है मैया, और जब मंदिर में पहुंची तो भगवान के आगे घुटनों के बल बैठ गई, रोने लगी, रोने लगी, कहने लगी, प्रभु हमने कौन से पाप किए हैं जिनकी सजा मिल रही,